Okay, everybody, we are ready to fly. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. तो एवरीबॉडी, मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ और मैं पहली बार फ्लाई कर रही हूँ सिंगापुर एयरलाइंस से. आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सपीरियंस सिंगापुर एयरलाइंस. यस, अभी जस्ट मैं सियाम रिप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ एंड देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू क्योंकि बच्चे जो हैं, आई थिंक स्कूल के बच्चे हैं, कुछ टूर्नामेंट होगा उसके लिए आए होंगे, तो उनकी बहुत लंबी लाइन है. और ये जो फ़्लाइट है ये मेरी सियाम रिप से सिंगापुर 2 घंटे की है एंड सिंगापुर से दिल्ली जो है वो कल है, तो मेरे पास 22 घंटे का ले ओवर है. और इस 22 घंटे में हम सिंगापुर एक्सप्लोर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो देखने वाली बात है. तो या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द सेम कि एक कंट्री में और घूम सकती हूँ. अभी अपना बैगेज ड्रॉप करेंगे और ट्राई करेंगे कि दिल्ली तक पूरा थ्रू हो जाए. देखते हैं, उनसे बात करते हैं. इतना फालतू का भसड़ है यहाँ पे. इंडिया एंटर करने के लिए ये एयर सुविधा ऐप है, ठीक है, उस पर आपको रजिस्टर करना है. वो ऐप इतना ज़्यादा स्लो है, मतलब आधा घंटा वेस्ट हो गया फालतू में. बट यस, चलो चलते हैं. बोर्डिंग पास ले लिया है अपना, होपफुली सब सही जाए. सो इमिग्रेशन डन है. इमिग्रेशन ऐसे 5 मिनट में ही हो गया. अभी यहाँ पर ऐसे ड्यूटी फ्री में थोड़ी सी मैं तफरी मार रही हूँ, देखती हूँ कुछ अच्छा लग गया तो ले लेंगे. बाकी मेन शॉपिंग तो मुझे सिंगापुर से करनी है, चांगी एयरपोर्ट से. तो देखते हैं मेरे पास टाइम कितना होने वाला. हो गया, सब सही से हो गया. स्टाफ अच्छा था. वो लड़की थोड़ी सी ऐसी मूडी लग रही थी मुझे जो काउंटर पर बैठी थी. उसके बाद जो बंदा था ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल. ही इज़ लाइक कि ये करके देख लो, ऐसा करके देख लो, हो जाएगा. एंड या, एवरीथिंग इज़ डन. यार अब थोड़ी सी भूख लग रही है तो देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए. देयर इज बर्गर किंग. आई बर्गर खाया ही नहीं है. मतलब इंडियन जब भी इधर आते हैं मोस्टली बर्गर पे ही गुजारा करते हैं, और मैं ऐसी इंसान की मैंने बर्गर खाया ही नहीं पूरे ट्रिप में. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. और यार इनके बैग्स अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं. I don't understand. I understand English only. You don't know English? इसका मटेरियल भी थोड़ा लगे. जग से मैं बर्गर क्यों बंद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. There's nothing, guys. Everything is shut here. Just see. सब कुछ बंद है. मुझे लगता है ये एयरपोर्ट मतलब चलो जी. ये है इनका मेन्यू. वही तो बनाओ कहानी. क्या प्रॉब्लम है बनाओ, पूछते हैं. खैर छोड़ो, क्या करना है. ओके जी, तो पेट पूजा हो गई है. अब वॉशरूम गई थी लास्ट, क्योंकि फ़्लाइट जो है हमारी वो 2.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से सिंगापुर. और मुझे पता है सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है, इसलिए मैं ये व्लॉग कर रही हूँ ताकि आप भी देख पाओ. अभी मैं जितना व्लॉग कर पाऊँगी करूँगी, जितना शूट कर पाऊँगी करूँगी. अभी तक यहाँ पे एक ही कॉफ़ी शॉप ओपन थी, वहाँ पर बैठ के कुछ खाया थोड़ा सा मैंने. यस, लेट्स गो. बोर्डिंग बस शुरू भी होने वाली है विद इन 5 to 10 मिनट्स. Let's go.
everybody, we are ready to fly. Bye bye Cambodia. You were good to me. यहाँ के skies यार ऐसे, बस हमारे भारत में ना इतना pollution नहीं चाहिए कि आसमान ही नीला ना दिखे. Especially दिल्ली में तो इतना ज़्यादा pollution है ना कि मैं क्या बताऊँ. यह मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि देख के, no pollution, nothing. सो चेक इन से लेके बोर्डिंग तक का प्रोसेस बड़ा स्मूथ था सिंगापुर एयरलाइंस का. उसके बाद फ्लाइट में सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल थी, साथ ही लेग स्पेस भी अच्छा था और खाने के लिए उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये 2 घंटे की फ्लाइट थी, कुछ स्नैक्स जैसा सर्व किया था. वेजिटेरियन में सिर्फ नूडल्स ही ऑप्शन था और मैं प्री बुक करना भूल गई थी. जिन्होंने प्री बुक किया था उन्हें कुछ स्नैक्स मिला था सैंडविच टाइप का और मुझे उन्होंने बोला कि वेज नूडल्स ऑप्शन है अगर आप ये लेना चाहते हैं तो. एंड दे वर वेरी काइंड, उन्होंने साथ में बन, बटर और एक मफिन दिया और जूस दिया और जूस ड्रिंक जो भी आप लेना चाहते हो, कॉफ़ी आप ले सकते थे उसमें से अनलिमिटेड टाइम्स. बट 2 घंटे की फ़्लाइट में इंसान कितना ही खाएगा, फिर भी मैंने पेट भर के खा लिया मूवी देखते देखते. और उसके बाद ये मैं शॉट दूसरी फ़्लाइट का डाल रही हूँ जो कि मेरी सिंगापुर से दिल्ली की थी. उसमें बहुत अच्छा इन्होंने पहले स्नैक्स और साथ में ड्रिंक सर्व किया, उसके बाद प्रॉपर मील सर्व किया जिसमें कि वेज पुलाव था, बिरयानी थी और उसके साथ साथ कुछ थोड़ा वेजिटेबल था. और ये मैंने डिनर किया. ओके, तो आप लोगों को वॉशरूम का टूर भी दे देती हूँ. वॉशरूम आई थी तो इट्स प्रिटी नाइस, स्पेशियस, लाइक सरप्राइजिंगली गर्म ठंडा दोनों पानी है. यहाँ पे ग्लास है इफ यू वांट टू गार्गल और समथिंग. यहाँ पर टिश्यू है, यहाँ पर वाइप्स है, सो मच थिंग्स. ग्रेट. इन्फॉर्मेशन डाल देते ये सब जा सकते बाहर जस्ट बिकॉज मेरे पास US का वीज़ा, इसलिए नहीं तो मेरे को नहीं जाने मिलता. तो भाई ये है ट्रेन स्टेशन. ओके जी, तो यहाँ से मुझे जो है 2 ट्रेन चेंज करनी है. पहली मुझे 2 स्टॉप के बाद
Tanamera and then Othrompa. वहाँ मुझे वहाँ से भी चेंज करनी है, देन आई विल रीच माई डेस्टिनेशन. फिर वहाँ से 500 मीटर कुछ वॉक है मेरा होटल का. तो यहाँ लेट्स गो. भाई ये ऐसा लग रहा है कि दिल्ली मेट्रो में ही चल रही हूँ मैं. अभी ना मुझे ट्रेन में इंडिया के कुछ 3-4 लोग मिल गए थे. मैं उनसे कुछ डायरेक्शन पूछ रही थी. साउथ इंडिया यहाँ पे काम के लिए आए हुए हैं तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत बात की, तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया. हाँ अभी चलते हैं, बस ये लास्ट ट्रेन है, इससे हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे. भाई साहब बैंड बज गई, चलते चलते. यार मेट्रो में चलना बहुत पड़ता है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम. बस होटल जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे शांति से, उसके बाद फिर नाइट. अब भाई 24 घंटे के लिए सिंगापुर में आया तो थकना नहीं है, किल कर देना. किल 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 किल. ओके एवरीबॉडी, सो फाइनली 9 बज रहे हैं और ट्रेन स्टेशन से बाहर आ गए हैं और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं. मैं रुक रही हूँ हॉलीडे इन एक्सप्रेस में, तो यहाँ से जो कि है कुछ 10 मिनट का वॉक है. चलते हैं अभी 10 मिनट के लिए, तो और कुछ नहीं लेंगे ऑब्वियसली. 600 मीटर्स है, मैं शायद दूसरे वाले गेट पे उधर निकल गई बाहर. ये मेट्रो का यही होता है, एक एक गेट दूसरे तरफ निकलता है, एक गेट दूसरे तरफ निकलता है. मैं अगर दूसरे तरफ से निकलती तो शायद मैं और जल्दी पहुंच जाती. बट नेवरदलेस वी आर गोइंग टू होटल नाउ. ओके लेट्स गो. यहाँ पे लोग रुक जाते हैं यार, हमारे इंडिया में तो ऐसे घुसा ही देंगे आपके ऊपर और गालियाँ बकेंगे वो अलग ऊपर से. ओहो हाई रिस्क बिल्डिंग्स. वेलकम टू सिंगापुर, कितनी बार बोल चुकी हूँ. वेलकम टू सिंगापुर एवरीबॉडी, एंड दिस इज सोहो. ओहो सोहो. ओहो क्या हुआ था, हिमानी यू मेड इट.